माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बस इतना सा ही कहूँगा कि अगर हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को साइड में रख दें और कॉमन सेंस को जगा के रखें तो भी हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो भाई, इतना तो आपको मुझे पता है कि भाई आपको पता है कि रेजिस्टेंस को का हिंदी मीनिंग होता है भाई रुकावट, मतलब बाधा। इसी चीज़ को अपन हर्डल या ऑब्स्टेकल भी कहते हैं, है ना। तो रुकावट किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम किस तरह की रुकावट की बात कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पर हम किस तरह की रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो जब भी मैं कहूँ भाई रेजिस्टेंस, आपके दिमाग में आना चाहिए रुकावट, ओके। सो यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस जो है चार्ज की रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो चार्जेस के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं, ओके। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, अगर हम डायमेंशन दैट इज इसकी ज्योमेट्री वाइज बात करें, इसके डायमेंशन के लिए बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो है ना, ये हमने मान लिया कि ये अपने पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एंड पर पहुंच जाए। मीनवाइल आपको पता है कि ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। और देखिए, मैं सिंपल सी बात आपको ये भी बताऊं कि इसके अंदर एटम्स भी हैं, ठीक, जिनको हमने दिखाया नहीं है, ठीक। इसके अंदर पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्जेस भी हैं ना, तो वो चीज़ हमने नहीं दिखाई। केवल मैं आपको ये अभी रफ डेटा में आप इतना लेके चलें कि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है, हर डायरेक्शन में है। तो उसके बाद क्या है कि ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाना चाहता है ये वाला, तो कंडीशन क्या बनेगी कि अब रैंडम मोशन हो रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये यहाँ भाग रहा है, ये यहाँ भाग रहा है, तो हर डायरेक्शन में ये भाग रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कंडीशन है कि भाई ये जब यहाँ पहुँचेगा तो इसको कम से कम जो है ना 20 से 25 बार हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि भाई कम से कम बार, जैसे मान लीजिए कि ये 20 बार कोलाइड किया, दैट इज़ ये जो इलेक्ट्रॉन है इनसे 20 बार कोलाइड किया, और 20 बार कोलिजन करने के बाद, दैट इज़ स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद ये इस एंड पर पहुँच गया, ठीक। फिर भाई इसको जो है ना लगा कि यार मेरे रास्ते में तो बहुत रुकावटें हैं, मेरे रास्ते में बहुत रेजिस्टेंस है। सो रेजिस्टेंस हमने माना कि भाई इसके रास्ते की रेजिस्टेंस कितने कोई आर। अब बोला कि तुम दोबारा से जाना है स्टार्टिंग से, ठीक। तो हमने क्या किया, तो वो बोलेगा ना यार बेचारा कि भाई मुझे रास्ता तो दे दो कम से कम, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ फूट गया मेरा वहाँ से वहाँ तक जाने में, ठीक। तो अब उसको क्या चाहिए, अब वो कहेगा कि भाई राहत ही का रास्ता चाहिए मुझे, मतलब बड़ा रास्ता चाहिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया। बोला ले ले भाई इतना बड़ा रास्ता, यहाँ से तो निकल जाएगा, देखते हैं कैसे निकल पाता है, लोहा पकड़ने वाला गेम खेला है ना। बोला कि मतलब मैं भागूंगा और मुझे वो रास्ते को रोकेंगे कि मैं लोहा टच ना कर पाऊँ, ठीक। तो बस आप यही समझ लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमें यहाँ तक पहुँचाना है, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अगर हमने रास्ते को चौड़ा कर दिया, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, तो अब आपको पता है ना कि अब कंडीशन क्या बन सकती है। अब ऐसी कंडीशन बनेगी कि भाई जब तक ये नीचे आएगा तब तक ये इसको क्रॉस कर जाएगा। हम जानते हैं कि भाई टकराएगा जरूर, रैंडम मोशन जरूर होगा, क्योंकि आपको पता है भाई नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी ज़्यादा होती है ना, एक मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं एक कंडक्टर के अंदर, ठीक। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब ये यहाँ पर जाएगा, तो फॉर एग्जांपल अगर इसको रास्ता मिल गया है, हमने रास्ता चौड़ा कर दिया, तो पहले ये 20 बार स्ट्राइक किया था, तो अब आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो कम होगा, लेट्स से इसने 15 बार ये कोलाइड किया आपस में इलेक्ट्रॉन्स या एटम से, ओके। तो आप यहाँ पर समझ गए कि भाई पिछली बार इसकी रेजिस्टेंस आर थी, ठीक, और अब क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस के लिए हमें रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस का हमारा रिलेशन ये निकल के आ रहा है कि रेजिस्टेंस अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बोला कम हो जाएगी। हमने यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया तो उसके रास्ते में आने वाली रुकावट कम हो गई। इसका मतलब है कि रुकावट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या किया कि भाई इसी चीज़ को ना खींचा, इस तरह से खींच करके आपको पता है क्या हुआ भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन, अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाना है, तो जो रास्ता थी उनने लेंथ बढ़ा करके रास्ते को क्या कर दिया, बोला कम कर दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि अब इसके रास्ते में और ज़्यादा रुकावट आने वाली है, और आप जानते हो कि भाई क्या रुकावटें होने वाली हैं, ये इसको बहुत ज़्यादा कोलिजन करेगा, लेट से यहाँ तक आते आते इसने 30 बार या 40 बार कोलिजन किया, तो उसका मतलब है कि रेजिस्टेंस यानी कि इसके रास्ते की रुकावट वो क्या हो गई, बोला वो इनक्रीज़ हो गई, क्या हुई, इंक्रीज, और दैट इज का मतलब है कि लेंथ बढ़ाने से रुकावट बढ़ गई।
तो अब इन दोनों को हम कंबाइंड करके क्या लिख सकते हैं, देखिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, हमने ऐसा लिखा, एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इतना क्लियर है, ठीक है भाई। सो R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर नया प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है, L अपॉन A, ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन को हटाया और यहाँ पर रोल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, इस चीज़ को हमने बोला रो, एंड रो इज वॉट, रो इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी, है ना, और इसी चीज़ को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ना फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन होती है, मैं इतना कह सकता हूँ, रेजिस्टेंस का पूरा टॉपिक यही है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, ओके। तो यहाँ पर समझिए कि हमने क्या किया कि आप खुद देखोगे यार, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है ना, तो अब यहाँ पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि हमने माना कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ है कितनी, बोला एक मीटर, ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया कि 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इतना बड़ा हमने, क्योंकि अब आप इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू एरिया, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब, ठीक। तो देखिए अब अगर मैं ऐसा करूँ, मैंने सेम कंडीशन क्या मानी कि R L लेंथ मैंने कितनी मान ली, 1 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लिया, बोला 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, तो उसका मतलब है कि R इज इक्वल टू रो, L की जगह मैंने माना 1 एंड एरिया की जगह भी मैंने माना 1, तो आप देखो कि अगर मैंने लेंथ को कितना मान लिया 1 और एरिया को कितना मान लिया 1, अगर मैंने दोनों को 1-1 मान लिया, एक एक यूनिट मान लिया, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, रो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है, नहीं समझे, देखिए रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है, कब, बोला अगर हम लेते हैं 1 मीटर का कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 मीटर स्क्वायर, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी ना, उसका नाम बदल के ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रख देंगे। देखिए इसके नाम में छुपा हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब एक स्पेसिफिक डायमेंशंस की रेजिस्टेंस, है ना। देखिए मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि भाई रेजिस्टेंस का मतलब है कि भाई चाहे जितना बड़ा रास्ता हो हमें कोई मतलब नहीं है, रुकावट कितनी है हम बोलेंगे रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर हमारा 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन वाला कोई भी कंडक्टर है, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, उसकी रेजिस्टेंस का नाम बदल के हम क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस ही गंगाधरी शक्तिमान है ना, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है, बोला कैसे कि अगर आप 1 यूनिट वाले लेंथ 1 यूनिट वाला एरिया क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगी उसका नाम बदल के हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, ओके। सो अब हम बात करते हैं भाई रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करने वाली है, ठीक, तो पहली चीज़ रेजिस्टेंस आपको पता पड़ गया, भाई लेंथ पर डिपेंड करनी है, बोला एरिया पर डिपेंड करनी है, और किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, एंड इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, हाईली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पर रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, और अगर रैंडम मोशन बढ़ गया फ्रेंड्स, अगर रैंडम मोशन बढ़ गया तो रैंडम मोशन के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम दैट इज अगर आप करोगे ना कि भाई स्पीड बढ़ जाएगी उनको रैंडम मोशन करने की, तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो लगने वाला समय है वो कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, और जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे तो ये ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, और ज़्यादा स्ट्राइक करेगा तो रुकावट बढ़ जाएगी, इसका मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ेगी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं, बोले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या होगा, देन हमारा आंसर वो भी बढ़ेगी, क्यों, आप 1 मीटर वाले ले लो ना, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी मतलब वहाँ पे भी रेजिस्टेंस ही तो बढ़ेगी ना, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो मतलब रेजिस्टिविटी भी बढ़ी, क्योंकि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है, वी टॉक अबाउट जो डायमेंशन हमने दी है एक एक यूनिट के लिए, ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, अच्छा बोला। तो रेजिस्टिविटी मुझे बताइए कि किन फैक्टर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि रेजिस्टिविटी केवल और केवल अगर मैं टेम्परेचर को डाल दूँ तो केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है। मटेरियल का मतलब क्या, कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आयरन है, ठीक है, एक आयरन का सैंपल है, ठीक, और इसके बाद एक सैंपल है हमारे पास सिल्वर का, एक सैंपल है हमारे पास कॉपर का, ठीक, तो अब यहाँ पर समझिए
कि जो रेजिस्टेंस है, जो मतलब एक यूनिट, अगर मैं बात कर रहा हूँ भाई, हमने लिया भाई एक 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 यूनिट एरिया और एक यूनिट जो है लेंथ, ठीक है, तो इसके एक यूनिट एरिया में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, वो कुछ और होगी, जबकि दूसरे मटेरियल में कुछ और होगी, तीसरे मटेरियल में कुछ और होगी। तो उसका मतलब है कि भाई जिस मटेरियल में ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वहाँ पर रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, समझ रहे हो ना। अलग अलग रेजिस्टेंस, अलग अलग मटेरियल में जो नंबर डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो अलग अलग होती है, नहीं होती, मतलब इसके एक एक यूनिट वॉल्यूम में जो रेजिस्टेंस होगी वो दूसरे मटेरियल के एक यूनिट वॉल्यूम के रेजिस्टेंस से अलग होगी। इसी चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में इसके फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ और होंगे और इसके एक यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कुछ और होगा। तो उसका मतलब है कि एक एक यूनिट वॉल्यूम की हम बात करेंगे तभी तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हम बात कर पाएंगे। तो उसका मतलब है कि मटेरियल पर डिपेंड करने वाली है। मटेरियल पर क्यों? मटेरियल पर इसलिए क्योंकि हर मटेरियल की नंबर डेंसिटी अलग अलग होती है। हर मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है एक यूनिट वॉल्यूम में, वो अलग अलग होता है।